बालाजी मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया 40वां वार्षिक उत्सव। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। यूपी के रामपुर में प्रसिद्ध बालाजी दरबार में हर साल की भांति इस साल भी बालाजी महाराज का 2 दिवसीय 40वां वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर बालाजी महाराज के दर्शन किए। इतना ही नहीं, प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण किया और धर्म लाभ कमाया। क्या नाम है आपका? नरेश अरोड़ा। अच्छा, यहाँ पर ये भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, किस उपस्थिति में किया जा रहा? महाराज, ये बालाजी दरबार झंडा मोहल्ला के नाम से ये मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, एक छोटी सी कुटिया से लेके आज इस मंदिर ने बहुत विशाल रूप ले लिया है। इस मंदिर पर और गुलाकी जी महाराज पर बालाजी महाराज की विशेष कृपा है। जो इस दरबार में आके माथा टेक लेता है या गुलाकी जी महाराज जिनको आशीर्वाद दे देते हैं, उनके सारे रोग और जो इनके मन में इच्छाएं होती हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं, रोगी निरोगी हो जाता है। किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है ये भंडारा? ये हमारा स्थापना 40वां स्थापना दिवस है, जिसमें कल रात हमने एक विशाल जागरण किया था, जिसमें अनेक शहरों से लोग आए थे, कलाकार लोग, उन्होंने गुणगान किया और सुबह से अब जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक ये विशाल भंडारा चलता रहेगा। लगभग कितने श्रद्धालुओं ने भोजन कर लिया अब तक? अनगिनत। मैं अगर ये कहूँ कि साहब 2000-4000 यहाँ तो सुबह 10 बजे से जब भंडारा शुरू हुआ है, पंडित और बाकी जितनी सेवादार हैं, अटूट लंगर चल रहा है और जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक ये अटूट लंगर चलता रहेगा।